दोस्तों कुछ एक बहुत ही कॉमन लाइन है जो कि आपने बहुत सी बार सुनी होगी कि दोस्तों जो हम ऐस करते हैं ना, जितने भी हम अपनी लाइफ में ऐस करते हैं वो सारी ऐस तो सिर्फ बापू के पैसे पर ही पूरी होती हैं। अपने पैसे से तो मात्र ज़रूरतें पूरा हुआ करती हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या कभी हम सोचते हैं, क्या कभी हम सोचते हैं वो जो ऐस हमें करा रहे हैं बापू वो कहाँ से आती हैं? क्या क्या करता है एक बाप, क्या क्या करता है एक बाप अपने बेटे को वो ऐस कराने के लिए? दोस्तों हम कभी नहीं सोचते, जो हर एक घड़ी हर एक क्षण हर एक दिन सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता है, तुम्हारे ही चिंता करता रहता है और हर एक से अपनी चिंता छुपाता है। दोस्तों धूप हो, रात हो या फिर बरसात हो, भूखा हो, प्यासा हो या किसी भी हाल में क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही कमाता है। अच्छे कपड़े पहन सको तुम इसलिए फटे बलियान में रहता है, अच्छे कपड़े पहन सको तुम इसलिए फटे बलियान में रहता है। हर एक से कितना भी क्यों ना हो उसको दर्द, हर एक से अपना दर्द छिपाता है। और दोस्तों हम कभी क्यों नहीं सोच पाते, हम कभी क्यों नहीं सोच पाते कि हमारी छोटी छोटी सी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी दवाइयों तक के साथ समझौता करता है? कितनी अजीब सी बात है। और जब हम कमाने लगते हैं, जब हम कमाने लगते हैं, एक एप्पल का फ़ोन खरीदने के लिए हम एक मिनट नहीं लगाते, हम एक मिनट नहीं सोचते। लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि हमारा बापू एक निक्का सा फ़ोन चलाता है? अरे एप्पल ना सही, कोई एंड्रॉयड ही दिला दो दोस्तों, थोड़ी सी ऐस उसको भी करा दो दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ होटल में एक दिन में 3 से 4 हज़ार रुपये उड़ाते हो, शॉपिंग भी कराते हो, अरे कुछ शॉपिंग कभी बापू को भी करा दो दोस्तों। निक्के से दर्द के लिए थोड़े से दर्द के लिए अपनी मैडम का सर काफ़ी देर तक दबाते हो, कभी पैर उस बापू के भी दबा दो दोस्तों, थोड़ा सा प्यार उससे भी जता दो दोस्तों। ज़रूरतों को जो पूरी करता है तुम्हारी, कभी सर उसके चरणों में भी झुका दो दोस्तों। और दोस्तों तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए अपने सारे शौक भुलाए, तुम्हारे लिए अपने सारे शौक भुलाए, कुछ शौक पूरे उनके भी करा दो दोस्तों। लाड उन्होंने बहुत लड़ाई, कुछ प्यार तुम भी जता दो दोस्तों। और ये सब कुछ ना भी कर सको मैं आपसे कहता हूँ कुछ इज्जत करो, अपने किसी काम से थोड़ी इज्जत उनकी भी बढ़ा दो दोस्तों। उनका पुत्र उनको लौटा दो दोस्तों, एक अच्छा बेटा बनकर दिखा दो दोस्तों, बस उनको तो इतना ही काफ़ी है। दोस्तों बस इस वीडियो से आपको एक ऐसा ही छोटा सा एक मैसेज देना चाहता था, वो एक एहसास कराना चाहता। आशा करता हूँ कि यह वीडियो अपना काम कर पाई होगी। और दोस्तों सचमुच में कहीं ना कहीं अगर कोई बात आपको अच्छी लगी है, कोई फीलिंग, कोई टच आपके दिल को लगा है, तो दोस्तों इस वीडियो का शेयर रुकना नहीं चाहिए, अगर आप अपने पिता से इतना सा भी प्यार करते हैं। दोस्तों हर एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर एक जानने वाले के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने पिता के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, उसके लिए सॉरी, लेकिन आगे से मैं आपका पुत्र आपको लौटाने वाला हूँ, तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि आइए दोस्तों अब जीना सीखें, बहुत उठाए दुख अब खुश रहना सीखें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ मुझे भी बता दें कि आपको यह वीडियो पसंद आया है एक लाइक करके। अगर आपके कोई भी कमेंट हैं, कोई भी सुझाव हैं इस वीडियो से, इस चैनल से रिलेटेड, तो आप सभी कमेंट स्वागत करता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे बने हुए सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बराबर में आई बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई विचारधारा के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को
नमस्ते जी।